चाहे वो सरकारी जगह है, सरकारी जगह भी थी, हम मान लेते हैं उनके बाद जो बसों से लोग उधर खासतौर से मुस्लिम भाई हमारे वहां पर बसे हुए थे, तो उनको अलग करना ही था, तो पहले उनके लिए अलग से रिहायश की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। खासतौर से बीकर सेक्शन माइनोरिटीज के साथ काफी यहां पर सोतेला रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा होता था तो हमने यहां पर यहां के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर हमने कई जिले बनाए, तहसील बनाए, ब्लॉक बनाए और मैदान का काफी खाद्य सामग्री हमने आपके पहाड़ी क्षेत्र को दी थी, जो अब आप लोगों को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनके जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सचर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस के सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्ग व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक कम नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आज
खुदादी की वो खुदादी को आप लोगों को उनकी गलत कार्य प्रणाली व गलत नीतियों आदि को भी आप लोग काफी अजमा चुके हैं। और अब ये विरोधी पार्टियां किसम के सत्ते शाम दाम दंड भेद आदि अनेकों भक्तंडे इस्तेमाल करके केंद्र के सत्ता में आने की पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है, तो उनसे अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों की विभिन्न रूपों में विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में चार बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में और जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी के सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में या अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका अस्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसके तरफ हमारी पार्टी के बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी है परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी फिर जरूर रोका जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों मजदूरों और बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को केंद्र के सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है और जिन्हें ये लोग बरसों से अजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में
के वोटों को यहाँ कांग्रेस बीजेपी या अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ये देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपने पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपने पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, व्यापार कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हर वर्ग के लोगों का, चाहे वीकर सेक्शन के लोग हैं या अपर कास्ट समाज के लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, माइनोरिटीज के लोग हैं, सबके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और कभी फिर यह वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों ने भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज, श्री नारायण गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रह सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी के नई सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब पार्टी और मूवमेंट के हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपकी हरिद्वार लोकसभा की सीट व इससे लगी अन्य लोकसभा की सीटों से भी जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ